कांग्रेस जैसा नहीं, गरिया ने चार दीवारें खड़ी कर दी। मोदी जब प्रधानमंत्री आवास योजना करता है तो पक्का घर, पक्की छत, छत होगी और छत भी कांग्रेस वाली नहीं होगी। घर में नल, नल में जल, पक्की छत होगी उसमें नल होगा, नल में जल होगा, बिजली, एलईडी बल्ब, एलईडी बिजली का कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा, एलईडी बल्ब होगा। के एक भारत का एक नागरिक, एक सच्चे पत्रकार को भारत सरकार और दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योगपति उसे खरीद नहीं पाया, उसे तोड़ नहीं पाया, तो भारत के चैनल खरीद लिए, जिसे कहते हैं राहुल गांधी कह रहे। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। एक एक मीडिया को लेकर और एक ये जो कॉर्पोरेट घराना को ऊपर दिखाकर मोदी जी आए हैं, मोदी जी की जनता साथ नहीं है। ये आए थे तो कह रहे कि देश में विकास रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। अडानी और अंबानी का 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए मोदी जी, लेकिन एक गरीब का 5000 रुपया इन्होंने नहीं माफ किया। एक बैंक में लोन लेने के लिए, शादी विवाह के लिए जाने पर पैर घिस जाते हैं, लोन नहीं मिलता है। युवा जो चल रहा है, ये युवा किस लिए चल रहा है? ये युवा अपना भविष्य देख रहा है। जो बुजुर्ग है ये अपना बुढ़ापा देख रहा है। जो किसान चल रहा है वो अपनी फसल देख रहा है। जो महिला चल रही है वो अपना सम्मान देख रही है। और जब सारा भारत एक साथ चल रहा है तो बदलाव तो छोड़, मोदी जी के जाने का समय लिख दिया है। भाजपा कह रही है कि ऐसा क्या है जो राहुल गांधी जोड़ रहे हैं? भाजपा कह रही है राहुल गांधी क्या जोड़ रहे हैं? अगर वो कुछ नहीं जोड़ रहा तो ना इसे भाजपा को मिर्ची क्यों लग रही है? देखिए, मैंने तब भी कहा था कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो हाथी चल रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो कुत्तों को, हाथी अपनी मस्त चाल चल पा रहा है। देखिए, समय में नहीं निश्चित करता, समय करता है ऊपर वाला निश्चित। लेकिन ये तय है कि 2024 में मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। सुनो सुनो, यही देखो, इसे कहते हैं गोदी पत्रकारिता। क्या मोदी नहीं तो कौन? अरे पत्रकार महोदय, आप बन जाना। कम से कम देश को तोड़ने वाला, देश में नफरत फैलाने वाला, इन सबको भगाना पड़ेगा और हम सबको एक होना पड़ेगा। लेकिन जा करके कह दो मोदी से, जाके मोदी से कह दो भारत देश। अच्छा, अभी जो बीच में किसान आंदोलन की भी महापंचायत हुई है सोने पर टिकरी, इसको दोबारा माहौल बना रहे हो क्या बैठने का? क्या दोबारा किसान आ रहे हैं क्या? अगर सरकार वादा खिलाफी करती है, जो लिखित में दिया था उसका वादा खिलाफी कर दी है, तैयार रहना सब देशवासियों कि 2023 में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। और वो आंदोलन इस बार होगा, वो किसानों का नहीं होगा, किसानों का, युवाओं का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, वो एक देश का आंदोलन होगा और वो आजादी की दूसरी लड़ाई का आंदोलन होगा। अच्छा। जब वहाँ पटना के गांधी मैदान से एक यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ कौन था? गांधी परिवार। अरे गांधी परिवार में ताकत है। अच्छा। और ये तो डरपोक हैं, भेड़िए हैं। अच्छा। इनमें ताकत नहीं है। डरपोक कौन है? डरपोक कौन है? जो इस पे उंगली उठाता है। अच्छा, तुम भी सवाल करते हो? नहीं, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं के मुंह से कहलवाऊंगा। आज पत्रकारों के मुंह से कहलवाऊंगा। मिर्ची किसको लग रही है? बलिदान नहीं किया गया। यात्रा को रोकना कौन चाहता है? यही कहते हैं सर के एक भारत का एक नागरिक, एक सच्चे पत्रकार को भारत सरकार और दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योगपति उसे खरीद नहीं पाया, उसे तोड़ नहीं पाया, तो भारत के चैनल खरीद लिए, जिसे कहते हैं राहुल गांधी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगाम लगी हुई है, कोई ऐसा
राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगाम लगी हुई है। देश में प्रधानमंत्री है कहाँ? वो तो अडानी अंबानी का चौकीदार है उसने। भाजपा ये सवाल उठा रही है कि भारत जोड़ने से काफी अच्छा है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को जोड़ने पे। उनसे ये पूछो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, वो हमें बताएंगे।